आपने एक अवधारणा सुनी होगी, अगर कोई भी सांप 100 साल से ज्यादा जिएगा तो उसको एक नागमणि प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापत और मैं एक ऐसे स्नेक को रिलीज करने के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने इसका रेस्क्यू किया था ना, वहाँ पे लोग बता रहे थे कि ये लगभग 100 साल पुराना सांप है। तो क्या वास्तव में ये 100 साल पुराना सांप है? तो अभी मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ कि 100 साल पुराना सांप आखिर होता कैसा है, और आप भी बताइएगा क्या इसकी उम्र 100 साल हो सकती है क्या। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको नाग के नाम से जानते हैं, और वो लोग कह रहे थे कि ये यहाँ पे 100 साल से ज़्यादा हो गए इसको रहते हुए। तो क्या आपको लगता है कि ये 100 साल का सांप हो सकता है? तो दोस्तों इसकी फुल लंबाई देखिएगा और इसको बताइएगा कि ये कितने साल पुराना सांप हो सकता है। अभी ये जो सांप है इसको देखिएगा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। मैंने इसका रेस्क्यू किया था, वहाँ पे लोग बता रहे थे कि ये जो सांप है हम इसको लगभग बहुत दिनों 20 साल से हम देखते आ रहे हैं, और हमारे पूर्वजों ने भी इसको देखा था। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है, हो सकता है वहाँ पे और सांप हो पहले से ही, क्योंकि वो जो जगह थी वो सांपों के लिए अनुकूल जगह थी, वहाँ पे पहले से ही सांप रहते होंगे। सांप की जो औसत उम्र है वो लगभग 10 से 15 साल के बीच होती है। हाँ दोस्तों, ज़्यादातर जो सांपों की उम्र होती है वो 10 से 15 साल होती है। ये कोबरा सांप है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होगी तो 20 से 25 साल से ज़्यादा ये कोबरा सांप नहीं जिएगा। दोस्तों वैसे सांपों में सबसे ज़्यादा जो उम्र है, औसत उम्र सबसे ज़्यादा, वो किंग कोबरा सांप की मानी जाती है, जो कि लगभग 25 से 28 साल तक होती है। तो दोस्तों सांपों की ये 100 साल जीने वाली बात पूरी तरीके से गलत है, कोई भी सांप 100 साल तक नहीं जीता। आपने एक अवधारणा सुनी होगी, अगर कोई भी सांप 100 साल से ज़्यादा जिएगा तो उसको एक नागमणि प्राप्त होगी, और उस नागमणि को प्राप्त करने के बाद वो सांप अमर हो जाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर लेगा। दोस्तों ये सिर्फ कोरी कल्पनाएं हैं, ऐसा हकीकत में बिल्कुल भी नहीं है। ना तो सांप 100 साल जीता है, ना उसके पास नागमणि होती है। अभी आप देख रहे हैं ये जो सांप है ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 साल पुराना सांप है, यानी ये फुल वयस्क सांप है, और लगभग 8 से 10 साल के बीच में इसकी पूरी उम्र होगी। कोबरा सांप 20 से 25 साल तक जिएगा। आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा जीने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा साल जीने का रिकॉर्ड एक वॉल पाइथन के नाम है, जिसका नाम गैरी था। दोस्तों वो लगभग 42 साल जिया था, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक इससे ज़्यादा कोई भी सांप नहीं जिया, ऐसा एक रिपोर्ट बताती है। तो दोस्तों सांपों की जो उम्र है 10 से 15 साल ही होती है, और ज़्यादातर जो सांप है जंगल में रहने वाले सांपों की उम्र कैद में रहने वाले सांपों की तुलना में बहुत कम होती है, यानी कि ज़्यादातर वो सांप जीते हैं जो कैद में रहते हैं, इंसानों की कैद में रहते हैं, पालतू रहते हैं। तो दोस्तों जो ये सांपों की 100 साल जीने की जो आपने बातें सुनी है पूरी तरीके से गलत है, और मैं इसका यहाँ पे रिलीज़ कर रहा हूँ। ये सांप बहुत ख़तरनाक सांप है, जिसको स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं, और इसको हमारे भारत में हिंदी भाषा में नाग के नाम से जानते हैं। इसका बहुत ही सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, लोग इसको मारते नहीं हैं, और इनका संरक्षण ही, इनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। सांपों से सावधान रहें, और सांप काट जाए तो सीधा हॉस्पिटल जाएं, अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी न गंवाएं। और मैं इसको यहाँ पे रिलीज कर रहा हूँ, अभी चला जाएगा। ये देखिए ये यहाँ से चल दिया और इस जंगल में आज़ाद हो जाएगा। चलिए दोस्तों वो चला गया।